पूछना चाहता हूं इनको कि जो सैनिटाइजेशन शहर में हुई आज क्यों बंद कर दी गई, जब आज पेशेंट इंक्रीज हुए हैं तो उनको उसको बंद क्यों कर दिया गया, आज सैनिटाइजेशन क्यों रोक दी गई। आपको आप सब जानते हैं कि मार्च में जब शुरू हुआ था तो शहर के अंदर सैनिटाइजेशन शुरू हुई थी, वो भी ब्लीचिंग पाउडर के साथ, दवाई किसी बाढ़ में नहीं गई, ब्लीचिंग पाउडर एक एक बोरी वहाँ रखा गया, थोड़ा थोड़ा पानी में डालना और उसकी जो है वो स्प्रे की गई। मैं कहता हूँ कि आज भी शुरू करो, आज ज़रूरत है, आज पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसलिए दूसरी बात थी 74th अमेंडमेंट की, 74th अमेंडमेंट जो है ये जब मैं कहता हूँ वो किया है कांग्रेस ने इसको लागू, उसको कुछ पार्ट्स में लागू किया गया, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल बॉडी और पंचायत राज जो शुरू हुआ उसमें जो रिजर्वेशन हुई, आज लेडीज 30% हमारे साथ हैं, ये इसी का एक जो है वो जो पास हुआ था 74th अमेंडमेंट जो लागू हुई थी ये उसी का नतीजा है, और उसी के कारण आज हमारे साथ जो लेडीज हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं। ऐसी कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी इसी में आती है। अभी कुछ पार्ट और लागू करना था, उसके लिए भी जो पहली गवर्नमेंट थी 2011 में उन्होंने को फैसला किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, फाइनेंस कमेटी, और वही कमेटी फैसला करेगी कि हमारे कारपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, कुछ परसेंटेज थी वो फिक्स करनी थी, वो पैसा हमारे पास आना था जिससे कारपोरेशन अच्छे तरीके से चलती, वो जो 2014 के बाद कर नहीं सके, वो चीज़ें करने वाली थी। जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होने हैं उसका एक अलग आर्डर होना था, उसका आर्डर करते और जितने भी शहर में डिपार्टमेंट हैं, आज PDD की बहुत बुरी हालत है, हम लोग डेली जाते हैं, लाइटों के कट चल रहे हैं शहर के अंदर, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है, पानी तब आएगा जब लाइट प्रॉपर आएगी, और बिजली और पानी से लोग तंग हैं, क्योंकि उसकी सारी वजह जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट हैं ये है नहीं ना, और एक ही बात बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत थी सरकार को काम करने की, इन्होंने की नहीं। अभी पिछले दिनों कोई